हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजीतास वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ में मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस है और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आज मैं तीन तरीके के मोदक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हम सिर्फ एक ही स्टफिंग से बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे स्टीम मोदक, जो कि पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। दूसरे हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक ट्रिक के साथ, और तीसरे हम बनाएंगे मोल्ड से। तो बस आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टीम मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसको गर्म होने देंगे, और उसके बाद हम इसमें 1.5 स्पून घी ऐड करेंगे। और जब ये घी गरम हो जाएगा तब हम उसमें 1 कप कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, और इस गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे और इसको हिलाते हुए, लगातार हिलाते हुए इसे हम पकाएंगे। और साथ में ही हम इसमें 1/2 कप जैगरी, क्रश किया हुआ जैगरी ऐड करेंगे, और इन दोनों को हम लो फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट हम इन्हें कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, जब तक हमारा जो जैगरी है वो मेल्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, 7 से 8 मिनट हो गए हैं और जैगरी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और कोकोनट के साथ में मर्ज भी हो गई है। तो मैं अब हमारा गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ और करती हूँ। ये हम मेरा इलायची और जायफल का पाउडर 1 चम्मच है दोनों मिला के। तो अब मैं इसको इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके आगे की स्टेप। अब हम राइस फ्लोर को स्टीम करेंगे। उसके लिए हम एक वेसल को लो फ्लेम पर रखेंगे और उसमें 1 टम्बलर ऑफ वाटर ऐड करेंगे और उसको हम बॉईल होने देंगे। पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और 1 स्पून ऑफ घी हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस बॉयल वाटर में हम ये जो राइस फ्लावर है ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से हम इसमें पूरा ऐड नहीं करेंगे। पूरा राइस फ्लावर मिलाने के बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये स्टीम राइस ठंडा होने के लिए रखे हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक बड़ी परात में निकाल लेती हूँ, और इसको हमें गरम गरम, बहुत ज़्यादा गरम गरम में नहीं, पर थोड़ा सा हल्का गरम में ही हमको इसको बहुत अच्छे से मलना है। तो इसको हम थोड़ा सा पानी ले लेकर हम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे 6 से 7 मिनट। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसके लिए हम एक आइडिया लगा सकते हैं, कोई भी ऐसे तली वाला आप बर्तन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप घी लगा दीजिए, और इससे आप कर सकते हो तो आपको हाथ में भी गर्म नहीं लगेगा और बहुत अच्छी तरीके से ये हो जाएगा सॉफ्ट। अगर ये आपको लगता है कि अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है और आप अपने हाथ से इसको अच्छे से मल सकते हो तो आप इसको अपने हाथ से मलिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा ये राइस फ्लोर का स्टीम राइस फ्लोर डो रेडी है, और ये बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट है ये। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। फ्रेंड्स, जब तक हमारा राइस फ्लोर का डो रेस्ट पर है तब तक हम मोदक को स्टीम करने के लिए उसका स्टीमर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक बर्तन ले लिया है, आप उसको अच्छी तरीके से आप ऐसे घी लगा दीजिए, उसमें आप ये जो केले के पत्ते हैं इसको आप प्लेस कर दीजिए अच्छे से। इस केले के पत्ते के ऊपर ही हम हमारे मोदक को स्टीम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इडली बनाने का मोल्ड है, मैं इसी में मेरे मोदक कुक करूँगी, इसके लिए मैंने इसको में पानी डाल दिया। चलिए देख लेते हैं आटा हमारा रेडी है नहीं है। अच्छा, पहले हम इसको चेक करने के लिए कि हमारा आटा रेडी है कि नहीं है, उसके लिए हमें एक गोला हाथ में लेना है और उसको हमें अच्छी से ऐसे बनाना है। जब आप देख लो कि कहीं से भी गोले में क्रैक नहीं है, इसका मतलब ये हमारा राइस फ्लोर डो रेडी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में थोड़ा सा घी लगा के हम इसका गोला बना लेंगे। ये जो हमारा रोलिंग पैन होता है इसके ऊपर हम रख के इसको थोड़ा थोड़ा सा एक ही
हल्के प्रेशर से ही हम इसको थोड़ा थोड़ा इसको रोल करेंगे। तो मैंने अभी इसको रोल कर दिया है, आप ये फिलिंग फिल कर देती हूँ। और अब हम इसको कली देना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका हाथ इसमें चिपक रहा है तो आप अपने हाथ में घी लगा सकते हो और उसके बाद जितना पास हो सके उतनी उसमें कली आप डाल सकते हो। अगर आपके कलियां खुलती है तो ये जो ऊपर की तरफ है ना, तो इस कली को यहाँ पर हमें लॉक कर देंगे तो फिर आप नीचे से अच्छे से उसको शेप दे पाएंगे। तो ऊपर से आपकी लॉक रहेगी, फिर नीचे से शेप देना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा बन गया है और अब मैं इसको एक ही डायरेक्शन में ऐसे सिंपल ना, बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी बहुत अच्छे मोदक। और अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत दूसरा तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। देख सकते हो मैंने इसमें चपाती बना दी है और सेम में इसमें भी हमारी जो फिलिंग है वो मैं इसमें फिल कर देती हूँ। और इसको कुछ नहीं करना है, हमको इसको ऐसे करके इसको लॉक कर देना है। अब मैंने इसको अच्छी से फिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डिज़ाइन देने के लिए जो मेरे पास एक स्टिक है, तो मैं एक स्टिक से मैं इसको ऐसे इसमें डिज़ाइन दे दूँगी। आपको इसे ऐसे डिज़ाइन देते जाना है, इसको हल्के हाथ से ही आपको इसमें डिज़ाइन बना लेना है। स्टिक से बहुत इजी है, स्टीम हो जाएगा तो इसका भी जो टेक्सचर आएगा बिल्कुल ट्रेडिशनल मोदक की तरह ही। तो आप देख सकते हो ये लग रहा है ना बहुत अच्छा। तो एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। गोल्ड है, इसके थ्रू बना के बता दें। पहले हमें ये आटा ले लेना है इसको और इसके अंदर अच्छे से हमें फिल कर देना है ऐसे। और यहाँ से हमें एक होल सा करना है, जो हमने स्टफिंग बनाई है हमारी, हम वो स्टफिंग इसमें फिल कर रही है। अब मैं ये स्टफिंग इसमें फिल कर देती हूँ और थोड़ा सा और आटा लेके इसको इस तरह से चपटा कर देंगे और इसमें इसे। तो अब देखिए ये रेडी है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, है ना बना हमारा। बस ऐसे ही आप सारे मोदक बना लीजिए। तो अब ये हमारे तैयार किए हुए मोदक को मैंने स्टीम मोल्ड में रख दिया है और अब मैं इसको स्टीम करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो आइए फ्रेंड्स हम चेक कर लेते हैं हमारे मोदक, देखिए। अच्छा, ये हमारे मोदक कुक हो गए हैं या नहीं इसे चेक करने का एक बहुत इजी सही तरीका है। हम इसको ऐसे टच करके देखेंगे, अगर ये हमारे हाथ पे चिपक नहीं रहे हैं इसका मतलब ये कुक हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे उकड़ी से मोदक, स्टीम्ड मोदक रेडी है। मैं आप इस अब इसको एक कट करके भी दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही यम्मी, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। देखिए इसमें प्लेट्स भी कितनी अच्छी अच्छी आई है, कंगूर है इसके। ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा कुक हो गया है, कहीं से फटा भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। अब मैं आप उसको एक कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। आप इसे ट्राई करिए, बनाइए और इन्जॉय करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।